हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है, जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान ली है मंजिल से मिलना है। आपको देखिए, अपनी जी जान लगा देनी है, अपनी मेहनत पे अपनी विश्वास रखनी है, अपने हौसले को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने एक बार अगर ठान लिया ना फ्रेंड्स कि आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा एक दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ें। अपनी लाइफ में टारगेट को ज़रूर सेट करें कि आपने किस मुकाम तक पहुंचना है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर ज़रूर हो जाएं और रास्ते की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बिल्कुल भी घबराएं ना, पीछे ना हटें और अपनी मंजिल की ओर आगे को बढ़ते रहें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अभी तक हमने दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज पढ़े हैं उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उनकी थीम के साथ। सबसे 1 दिसंबर कौन से इम्पॉर्टेंट डे था? वर्ल्ड एड्स डे। थीम क्या रही थी इसकी? लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। के बाद 2 दिसंबर को आया था नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसकी थीम रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानेट। 2 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये दिन भी सेलिब्रेट होता है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये भी कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को, जिसकी थीम रही प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप, ये 3 दिसंबर को मनाया गया, जिसकी थीम रही यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्संस विद डिसेबिलिटीज। 4 नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंडियन नेवी डे, और इसकी थीम रही थी ऑपरेशनल इफिशियंसी रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मेरीटाइम डोमेन। 5 दिसंबर को ही होता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। उसके बाद 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे, और इसकी थीम ध्यान रखिएगा सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। तो ये थे फ्रेंड्स अभी तक के हमारे दिसंबर के इम्पॉर्टेंट डेज, और ऐसे ही हम रोज़ डेज को रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप रोज़ देखिए इनको पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे डेज तो आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, What is the rank of India in the World Digital Competitiveness Ranking 2023? तो जो अभी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की क्या रैंक रही? तो फ्रेंड्स, उसमें इंडिया जो रहा है 49th नंबर पे रहा। ध्यान रखिएगा, इंडिया को इसमें रैंक मिली है 49। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में नंबर 1 पे आया है US, और इसे इशू किसने किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इस रैंकिंग को जारी किया। अब इसी के साथ और कुछ और इंडेक्स किसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग जो आई थी अभी, उसमें नंबर 1 पे USA रहा, नंबर 2 पे चाइना, और नंबर 3 पे रैंक मिली है इंडिया को। इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय US वर्सिटी, इसमें इंडिया को रैंक मिली है 117 और टॉप किया है इसमें न्यूजीलैंड ने। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को रैंक मिली है 45 और इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया? नीदरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पे रही इंडिया को रैंक मिली इसमें 111th। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें इंडिया को मिली है रैंक 40 और इसमें टॉप किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड ने जो है इसमें टॉप किया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर आरके सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया इन विच सिटी। सो केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में भारत में ऊर्जा परिवर्तन जो ये विषय है इस पर अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर हमसे सिटी पूछी है, तो इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है गांधीनगर में। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया जो ये सब्जेक्ट है, इस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुई, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया?
इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे इसे इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह ने। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या था? टू मूव फॉरवर्ड विद एन एम्बिशियस विजन ऑफ प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड फैसिलिटेटिंग द एनर्जी ट्रांजिशन। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, और एनर्जी जो संक्रमण है उसको सुविधाजनक बनाने का जो एक तरीके से एम्बिशियस विज़न रखा है, एम्बिशियस जो भी विज़न है उसी के साथ में आगे बढ़ना, यही इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था। सो दो क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो गए। पहला बात कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, गांधीनगर में। सेकंड फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया है? आर के सिंह ने। आर के सिंह जो है, इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये मिनिस्ट्री है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिसंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ डैश एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में राजकोट जो फोर्ट है, राजकोट जो किला है, वहाँ पे किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो इस फोर्ट पर, इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया है किसने? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, द आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी देखिए, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने फ्लाई किया है कौन सा एयरक्राफ्ट? तेजस। नरेंद्र मोदी जी ने मेरा युवा भारत जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया था नेशनल यूनिटी डे के ओकेजन पर। ऑल्सो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7th एडिशन इसे इनॉग्रेट किया भारत मंडपम नई दिल्ली में मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन है इसे फ्लैग ऑफ किया। इसके अलावा देखिए, 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मीटिंग हुई थी इसे इनॉग्रेट भी किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो है इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में देखिए आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन जो प्रोजेक्ट है इसकी आधारशिला रखी। यूपी में लॉर्ड शिवा थीम एक स्टेडियम बन रहा है जो पूरा लॉर्ड शिवा की थीम पर बनेगा, इसकी आधारशिला भी रखी थी मोदी जी ने। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की को इनॉग्रेट किया हिरासर में। नेक्स्ट याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76th जो सेशन हुआ था जेनेवा में, इस सेशन को मोदी जी ने एड्रेस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस ने अभी के शब्द को 2023 के लिए वर्ष का शब्द चुना है, यानी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ये अकॉर्डिंग किसके है? देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और इन्होंने जो वर्ड चुना है वो है रिज। रिज जो शब्द है इसका मीन्स है टू अट्रैक्ट, सिड्यूस और चैटअप, ये इसका मीनिंग है। इसके अलावा भी आपने रिसेंट कुछ और न्यूज़ भी सुनी होगी, मेरियम वेस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना था जिस शब्द को, वो कौन सा था? ऑथेंटिक। और कॉलिंस डिक्शनरी ने जो वर्ड चुना था, अभी नवंबर में ही इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया था, और इन्होंने चुना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो अलग अलग इस तरह अलग अलग पूछ सकते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग है रिज, मेरियम वेस्टर के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है, एंड कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, द बिल विल अमेंड डैश। अभी देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो संशोधन विधेयक है इसे अभी लोकसभा में पेश किया गया है। ये जो बिल है ये किस में संशोधन करेगा, कौन से एक्ट में संशोधन करेगा? तो ये संशोधन करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 में, ये जो बिल अभी पेश किया गया है ये इसमें जो है वो संशोधन करेगा। और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो याद रख लीजिएगा इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। ये जो बिल है देखिए, तेलंगाना में, तेलंगाना की जो का जो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है उसमें
समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाने वाला एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज करने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। तो भाई ये एक यूनिवर्सिटी जो है स्टेबलाइज करने की बात कही गई है इसके दौरान, तो इसके लिए ही संशोधन करना चाह रही हैं और यही अभी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, किसने जो है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए भी नेशनल अवार्ड जीता है। सो भी ये नेशनल अवार्ड किसने जीता है, अमेजॉन इंडिया ने। ये जो अवार्ड है ये देखिए अंडरस्कोर देयर कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी विविधता और समावेशन के प्रति जो उनका कमिटमेंट है उसको ही ये एक तरीके से मार्क करता है, और इन्होंने जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको एम्पावर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए एक तरीके से सिग्निफिकेंट तरीके से तरक्की भी करी है इस फील्ड में, और इसी के लिए अमेजॉन ने जीता है अभी नेशनल अवार्ड। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की, तो देखिए अभी शेरोन स्टोन अवार्ड, तो अभी रेड सी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें शेरोन स्टोन अवार्ड जीता रणवीर सिंह ने। पंजाबी लिटरेचर के लिए दाहन प्राइज़ जीता है दीप्ति बाबूता ने। इसके अलावा JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये किसे मिला, पेरुमल मुरुगन को, और यहाँ पे इनके नोवेल का नाम ज़रूर ध्यान रखना फायरबर्ड। इसके बाद महाराष्ट्र के लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे किया गया, सुरेश वादकर को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू अकम्प्लिश 4000 रन्स इन मेंस T20 क्रिकेट। सो अभी पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले पहले जो हैं इंडियन कौन बन गए हैं, द आंसर इज ऋतुराज गायकवाड़। देखिए फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने मेंस के T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन जो हैं पूरे करे हैं, और अभी अचीवमेंट उन्होंने कब हासिल करी, तो अभी अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जो T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था, और ये हुआ था फ्रेंड शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में, तो इसी मैच के दौरान जो है ये उपलब्धि हासिल करी है इंडिया मतलब ऋतुराज गायकवाड़ ने, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इसे भी। चलिए बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हु हैज़ बिकम इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर, अभी भारत के 84th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, द राइट आंसर इज वैशाली रमेश बाबू। भारत की 84th नंबर की जो है ये ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली, देखिए तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं आफ्टर कुनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावल्ली। सो ये तीसरी, अगर फीमेल्स में बात करेंगे तो ये तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं, और ओवरऑल अगर बात करें तो 84th नंबर की जो हैं ये भी ग्रैंड मास्टर बनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, वैशाली और जो उनके यंगर ब्रदर हैं आर प्रज्ञानंद, ये पहले सिस्टर ब्रदर पेयर हैं जो कि ग्रैंड मास्टर बनी हैं, क्योंकि आर प्रज्ञानंद भी ग्रैंड मास्टर बने थे देखिए, और अब वैशाली रमेश बाबू भी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, तो ये पहली भाई बहन की जोड़ी है जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है दोनों। अब कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो इनसे पहले देखिए 83rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन हैं, आदित्य सामंत महाराष्ट्र से हैं ये। 82nd नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वो पल्ला प्रणीत तेलंगाना से हैं, और हमारी इंडिया के इंडिया में अगर बात करें पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं, सो वो कौन है, विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ICC क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027, किस कंपनी ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए ICC जो क्रिकेट अधिकार है उन्हें हासिल कर लिया है, तो ये किस कंपनी ने किया है, सिंपल आपको याद रखना है अमेजॉन ने। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की
पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? आंसर है दीपिका मिश्रा। तो याद रखेंगे दीपिका मिश्रा फर्स्ट वुमेन जो है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं जिन्हें मिला है गैलेंट्री अवार्ड। और गैलेंट्री अवार्ड में इन्हें कौन सा मेडल मिला था? तो इन्हें मिला था वायु सेवा मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू विच फील्ड? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो याद रखेंगे फिर द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। सो ये देखिए स्पोर्ट्स और गेम्स में आउटस्टैंडिंग जो कोचेज होते हैं उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड? भारत रत्न देखिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारी कंट्री का और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स भारत रत्न के बारे में। अच्छा अगर फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहली बार जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो पहले विजेता कौन रहे थे? सो सबसे पहली बार देखिए दिया गया था सी राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सी वी रमन। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी 1954 में तो इन तीन पर्सन को दिए गया था भारत रत्न। और अगर हम बात करें रिसेंट की तो अभी जो लास्ट भारत रत्न दिया गया वो 2019 में दिया गया था। और किसे दिया गया था देखिए, प्रणब मुखर्जी, इसके अलावा नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। सो उसके बाद अभी 2019 के बाद अभी नहीं दिए गए हैं भारत रत्न। सो याद रखेंगे जो अभी लास्ट भारत रत्न दिए गए थे वो किन्हें दिए गए थे और शुरुआत वाले किन्हें दिए गए थे, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों से पूछ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर? सो इंडिया का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है मिलिट्री ऑनर है वो कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र। सो परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है देखिए। और इसकी शुरुआत, इसकी स्टेबलाइज किया गया था इसको 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सबसे पहली बार देखिए अवार्ड दे दिए गए थे 3rd of November 1947 में। सो अगर बात करेंगे सबसे पहली बार किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, सो हमने बात किया था कि सबसे पहली बार दिए गए थे 3rd of November 1947 को, और सबसे पहली बार किसे दिया गया था? सोमनाथ शर्मा को। इनको पॉस्ट्यूमसली जो है ये ऑनर दिया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? सो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी, महिला अभिनेत्री कौन थी? सो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस की बात करें यहाँ पे तो उनका नाम क्या था? नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त को रिसीव हुआ था पद्मश्री अवार्ड, और इन्हें रिसीव हुआ था किनके द्वारा? जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है इन्हें अवार्ड रिसीव हुआ था 1958 में। याद रखेंगे कब मिला था इन्हें, 1958 में। सो फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए रिविजन की बात कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल विद द हाईएस्ट टैली। तो इंडिया को अभी री इलेक्ट किया गया, फिर से चुना गया है। यहाँ पूछा है आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पे है? आंसर है लंदन यूके। और आईएमओ की स्थापना कब हुई थी? 17th of March 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब अभी से कौन से शहर में अनवील किया गया? तो इसे अनवील किया गया है गुरुग्राम में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने साहित्य अकादमी जो बुक फेयर है इसे कौन से शहर में इनॉग्रेट किया? तो इस बुक फेयर को इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सपोसैट मिशन। जो ये एक्सपोसैट मिशन है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट। इसे लॉन्च किया जाएगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और ये लॉन्च कहाँ से होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट है कि रिसेंटली बीजेपी ने अभी कौन कौन से स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन जीते हैं? तो अभी बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे जीत लिए हैं असेंबली इलेक्शन,
और अगर बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कौन सी पार्टी ने जीता है? कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिस्टी फर्नांडिस पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73, हु वॉज ही? सो डॉक्टर क्रिस्टी फर्नांडिस कौन थे? तो ये थे प्रेसिडेंट के फॉर्मर सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन को लिमिटेड? सो भारतीय ऋण समाधान कंपनी जो लिमिटेड है, इसके भी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नारायण शेषाद्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन? सो जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है, इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर कौन बनी? सो पहली महिला निदेशक बनी है कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड बाय शेरोन स्टोन एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जेदा? तो अभी देखिए, हमने इसको रिवाइज भी किया था, आपको याद होगा, शेरोन स्टोन, ये ऑनर किसे मिला है? रणवीर सिंह को। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फ्रेंड्स, कल आप लोगों से हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे। पहला था कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11th of October को। और दूसरा क्वेश्चन था कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? MS धोनी। सो आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। आज के हमने कमेंट्स रखे हैं फ्रेंड्स लकी एंड विमलेश चौहान, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब चलिए इसी की तरह बात कर लेते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 बट वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन डैश। नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं सबसे बाद में शुरू हुआ था, 1967 में देखिए शुरू किया गया था, लेकिन पहली बार दिए कब गए थे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, ये बताना। और दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का डेली करंट अफेयर का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।